तो आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं टॉप चैप्टर डेट इज इलेक्ट्रोस्टैट। और अगर इसका जेई के हिसाब से वेटेज देखें तो काफ़ी बढ़िया चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग दो क्वेश्चन तुमसे जेई में पूछे जा सकते हैं और कभी कभी तीन भी आ जाते हैं। इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चंस इस पे तुमसे बनने ही चाहिए, क्योंकि 12th के पोर्शन से अगर वेटेज देखें तो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो उसमें से ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसको अगर अच्छे तरीके से कर ले तो हमारा एक ग्रेविटेशन चैप्टर है वो भी स्ट्रांग हो जाता है हमारा, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे तरीके से समझना है। लास्ट में जाकर के कंडक्टर वाला पार्ट आता है, वो कंडक्टर वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी पड़ता है क्योंकि उसमें थ्योरीज वगैरह थोड़ा ज़्यादा होते हैं, मेमोराइज लर्न करना पड़ता है चीज़ों को, तो उस पार्ट को भी अच्छे तरीके से करना है। और स्टार्टिंग में हम लोग तो फोर्सेस वगैरह देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखेंगे, और फिर हर एक के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला निकलेगा, हर एक के कारण से पोटेंशियल का फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह ये सारी चीज़ हम लोग सारा का सारा इसमें करेंगे। और इसमें गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर मतलब टॉपिक है, और उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जेई का वेटेज हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर मतलब थोड़ा डेप्थ में है तो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। करते हैं, हम लोग को खुद ही समझ में आने लग जाएगा। लेट्स हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें कुछ कुछ चीज़ें पहले से पता है कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं जो कि रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, तो ये दोनों चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे हम लोग कूलम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो फोर्स अगर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में और इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, ये वन है और ये टू है। अट्रैक्टिव इन नेचर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, एक माइनस साइन हमें लगाने की हाँ जरूरत है। और अगर ये जो है वेक्टर तुमने बोला है आर वन टू है, तो एफ वन टू को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ ही साथ आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन कितना आ जाएगा आर वन टू वेक्टर फॉर्म में, ये आ जाएगा, ठीक है। किसी जगह पे सामने माइनस साइन दिया होता है तो उस समय वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से लिया जाता है, और यहाँ पे क्यू वन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड क्यू टू हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, इसीलिए माइनस साइन इस तरीके से दे दिया जाता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है बस कि फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हम लोग खुद से लेंगे, ठीक है, सर एक चीज कुछ नहीं वेक्टर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से ही करेंगे। बोलो क्या बोल रहे सर, हो, ये R12 से लेके वो यूनिट वेक्टर रहेगा ना। हाँ हाँ सॉरी, ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है। इसको अगर तुम वेक्टर फॉर्म में ही लिखो तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर वन टू से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखो फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि के का वैल्यू गिवन है, के इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। ना फ्री स्पेस का परमिटिविटी, तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का परमिटिविटी होगा, तो मीडियम का परमिटिविटी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं,
हम लोग पहले रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं, तो एप्सिलॉन आर इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसी तरीके से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। सर मतलब क्या होता है परमिटिविटी का, मतलब इस वर्ड का? परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चार्ज तुमने उस मीडियम में रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। जैसे कि तुमको मैं बताता हूँ, अगर मान लो किसी भी फील्ड में मैग्नेट को रखा मैंने, तो उसके डायपोल्स क्या हो जाते हैं, अरेंज होने लग जाते हैं, एच टू अरेंज होने लग जाते हैं, तो वो मीडियम कितना सपोर्टिव है वो एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन किया जाता है। उधर म्यू नॉट से डिफाइन किया जाता है, इधर एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो विथ रेफरेंस टू एयर बोलते हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये चीज़ है और इसको हम लोग याद रखेंगे, और इसका वैल्यूज वगैरह तुम्हें तो पता ही होगा, एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके ये के अलग है और ये के अलग है, नोटेशन सेम है लेकिन दोनों के अलग अलग है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो एप्सिलॉन आर के ही बराबर होता है। ये हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे जब हम लोग कैपेसिटर वगैरह स्टार्ट करेंगे उस जगह पे। दूसरा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है और काफी अच्छे तरीके से लगता है, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, ज्यादा दूर तक नहीं लगता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो अभी तो बिल्कुल ही बेसिक चल रहे थे, अब आगे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो पहले फोर्सेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। तो फोर्सेस के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लेट्स से एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके साइड लेंथ ए दिए गए हैं और हर एक लोकेशन पे चार्जेस प्लेस किए गए। इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया, इस जगह पे प्लस क्यू और इस जगह पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया गया। तो पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, सॉल्व करो इसको। यस क्वेश्चन ठीक ठाक है, कुछ खास टफ है नहीं। तो ये दो फोर्सेस लगेंगे है ना, इस पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ होगा, F1 एज्यूम कर लेता हूँ। और ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, F2। और अगर ध्यान से देखो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और अगर कोई भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो कितने पे आ जाता है, √3 F 30 डिग्री पर। ठीक है, सो दिस विल बी द
रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आंसर आ जाएगा √3 KQ² बाय ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। इन सभी जगह पे चार्जेस प्लेस किए गए हैं, और इस लोकेशन पे एक और चार्ज रखा हुआ +Q -Q -Q एंड +Q, और इस जगह पे एक +Q चार्ज रखा हुआ सेंटर पे। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, और इसका साइड लेंथ दिया गया है एक्सागन अलग रेगुलर एक्सागन ए दे रखा है। सॉल्व करो इसको, और ये इसके बिल्कुल सेंटर पे है। और ये भी क्वेश्चन आसान है, बस लॉजिकली अच्छे तरीके से करना है, हो जाएगा। सेंटर पे मुझे निकालना है ना। सबसे पहले देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज के कारण से नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे तो कितना होने वाला है, 0, क्योंकि ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इस तरफ फोर्स लाएगा। सभी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और 120 डिग्री पे अलाइन होगा, तो इसके कारण से तो गया नेट फोर्स 0। अब बचा है दो फोर्सेस, एक और दो, इन दोनों के कारण से रिजल्टेंट मुझे निकालना है। तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे, और दो फोर्सेस 120 डिग्री एंगल पे लगते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स भी एफ ही होता है, और कितने एंगल पे हो जाता है, 60 डिग्री पे। सो दिस एफ विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो लेंथ होता है ये तो ए ही होता है, तुम्हें पता ही होगा। यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। एक सेकंड, चलो आगे चले। नहीं, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रखा है कि एक रॉड है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, +Q चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और डिस्टेंस पे जाकर के इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे, मान लो कि ये ए डिस्टेंस पे, और इस रॉड का लेंथ जो है वो एल दिया गया। पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो ये जो रॉड है, F1 by 4 pi epsilon L प्लस ऑफ ए का होल स्क्वायर नहीं है, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करा। अगर एक छोटा सा डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे तो चार्ज आएगा DQ, और इसके कारण से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स छोटा सा होगा, विच विल बी इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R² ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाय R² ये क्यू कांस्टेंट, इसको मैं क्यू नॉट बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस जगह पे इंटीग्रेट कर लूँ उसको।
और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और इसको दोनों साइड मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो एफ इज इक्वल्स टू जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालो, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, और कुछ नहीं निकलेगा, और साथ में आएगा डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर आएगा। अब डी क्यू का वैल्यू पुट करना है मुझे, तो ये जो डी क्यू होगा क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, दिस मच। लैम्डा सो डी एक्स डी क्यू विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डी एक्स। अब इसके वैल्यूज को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। सो दिस एफ विल बी इक्वल्स टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह डी क्यू विल बी लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से लेकर के एल सर प्लस ऑफ ए तक। एल प्लस है। एक और कांस्टेंट है बाहर निकाल लेता हूँ, एल लैम्डा, लैम्डा वैल्यू क्यू बाय एल इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 बाय वन एक्स बाय स्क्वायर, माइनस एक्स रेस टू पावर -2 है तो +1 करना होगा, एक्स रेस टू पावर -1। के क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल 1 बाय एक्स, और फ्रॉम ए से लेकर के एल प्लस ऑफ ए तक जाएगा। पहले लोअर लिमिट पुट हो जाएगा, 1 बाय ए माइनस ऑफ 1 अपॉन एल प्लस ऑफ ए। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन के क्यू इंटू क्यू एल इंटू एल प्लस एन वन, सॉरी ए सर ए इंटू एल प्लस ए आएगा। ए इंटू एल प्लस वन, दिस विल बी द फोर्स। ये आंसर। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या कर रहे थे? अरे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया गया, देखो फील्ड का मतलब क्या है, अगर कोई भी चार्ज को प्लेस करते हैं हम लोग प्लस क्यू चार्ज, तो वो क्या करेगा, एक फील्ड को क्रिएट करता है। और इस फील्ड को हम लोग चाहे तो विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूं इस पूरे रीजन में, तो टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा मैं बोलूँगा कि उस डायरेक्शन में इस पे फील्ड है, उस लोकेशन पे उस डायरेक्शन में फील्ड है, बराबर। तो इस तरीके से हर एक जगह पे मैंने फील्ड डिफाइन कर दिया। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड जो होता है वो बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे जा करके एंड होता है। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। ये इस टाइप से फील्ड बनता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल इक्वेशन आ जाता है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। और एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, डेट एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू ई। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, फोर्स निकल के आ जाएगा, बेसिक सा चीज। अब क्या है, ये जो फोर्सेस लगेंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
ये मैंने एक सिंपल सा पॉइंट चार्ज के कारण से निकाला, लेकिन कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम भी होते हैं, उस कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के कारण से मुझे फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। सर थोड़ा और प्रॉपर्टीज बताएंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, अभी भूल। प्रॉपर्टीज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज इसके बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? जब हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज में उस जगह पे बताऊंगा। एक चीज ऐसा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक इस जगह पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से सेटअप होगा वो तुम चाहो तो बता सकते हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा, है ना? वो टेस्ट चार्ज जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, और स्पेस में तुम्हें उसे रखना होगा। उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मैंने इस जगह पे रखा, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा जीरो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। तो दिस विल बी द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, किस लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट पे, वहाँ पे। तो जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कर्व बनाते हैं तो कुछ ऐसा करके आता है, याद होगा, है ना? तो इस तरीके से कर्व बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के एंड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मतलब कि डायरेक्शंस है। सर इस चार्ज सिस्टम का ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसे रहेगा? तो ई वर्सेस आर क्यों रहेगा इसमें? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस, उधर मैग्नीट्यूड वेरी इधर होगा ना तो सबसे ज्यादा कहाँ? एक्स और वाई दोनों है ना, तो तुमको एक डायरेक्शन बताओगे ना, एक्स में या वाई में। और ऊपर से ऐसे चार्ज सपोज सिस्टम, एक्स में देखना रहता है तो इस तरह के चार्ज सिस्टम के लिए नहीं हम लोग कभी बोलते हैं फोर्स वर्सेस आर। जब तक कोई एक पैटर्न नहीं मिलता है फोर्स और आर में रिलेशन का, तब तक हम लोग ग्राफ नहीं बताते, ठीक है? इसके लिए हम लोग इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए ग्राफ ऐसा ड्रॉ होता है। ये लोकेशन है और ये लोकेशन है। इस जगह पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तुम पहले ही ये सारी चीजें पूछने लग गए कि मैं आगे जाकर के बताता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड में, अगर जस्ट इसके बहुत पास में हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव से ये निकलेगा और इनफाइनाइट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बाद में बताओ सर, अभी इतना नहीं बनेगा, फिर आराम से हटा दो। और फिर अगर मैं नेगेटिव चार्ज का देख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में, तो इस फोर्स का डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में होगा लेकिन इनफाइनाइट होगा, तो वो भी माइनस से स्टार्ट होगा। और अब पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में आया तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इनफाइनाइट होगा। और जब मैं इस लोकेशन पे आऊँगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के जस्ट लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, विच इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वो भी इनफाइनाइट। तो ये ऐसा कर हमें दिखेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका कर्व, ठीक है? अब इसका चार्ज अगर वेरी किया तो मैंने तो इधर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज रखा था। लेट से प्लस क्यू और माइनस टू क्यू चार्ज रखा होता तो क्या होता,
अभी तो मुझे उसको बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन कराने पड़ेंगे। चलो तो पहले सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करना सीखो। दो चार्ज गिवन है प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू। अभी जस्ट सिंपल से क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं। दो लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक ए और एक बी पे। फाइंड ई एट ए एंड बी। ये जो डिस्टेंस है ये टू ए, ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। सॉल्व करो, काफी इजी क्वेश्चन है। तो अभी मैं बिल्कुल ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए इसमें, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो ए पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में लेना होगा। ई पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण से भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ई नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ए विल बी समेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव के कारण से हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से नेगेटिव के कारण से के टू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्यान देना इस जगह पे क्यू को मैं नेगेटिव में पुट नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ही तुमने डायरेक्शन जब ले लिया, डायरेक्शन तुमने बता दिया, तो यहाँ पे फिर माइनस साइन पुट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ऑलवेज क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में पुट क्या करेंगे, साइन हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। ये आ जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, डेट इज एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे नेगेटिव के कारण से इधर होगा और पॉजिटिव के कारण से इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट कितना हो जाएगा? ई माइनस ऑफ ई प्लस विच विल बी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और पॉजिटिव के लिए के क्यू अपॉन थ्री ए स्क्वायर, है नाइन इयर्स ना? अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा टू माइनस वन बाय। सर आपने बोलो क्या बोल रहे सर ये रॉन्ग लिखा है सर आपने, नेगेटिव होना चाहिए, माइनस टू क्यू था ना। कौन सा ई ए? यस सर, माइनस टू क्यू चार्ज था शायद तो सर, उसके अपोजिट रहेगा ना दोनों डायरेक्शन में शायद से। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है ना और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, ओके तो पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेगेटिव के कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो ओके यस दोनों का मैग्नीट्यूड तो ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, इधर प्लस लिया है मैंने, सर। क्या दिक्कत हो गई? नहीं सर मेरा गलत था सर। क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। सर नहीं, डायरेक्शन ही देखना है, मतलब नेगेटिव के तरफ से उसके खुद की तरफ रहेगा और हाँ पॉजिटिव का उसका अवे। सब है ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉजिटिव चार्ज दिया इस जगह पे प्लस क्यू और इस जगह पे दिया है माइनस, नहीं तो चलो प्लस फोर क्यू ले लेता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सॉल्व करो इसको। तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, किसी भी एक लोकेशन पे एज्यूम कर लेना है कि हाँ इस जगह पे होगा,
और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज +4Q और इस जगह पे +4Q। किस किस लोकेशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस है वो मुझे भी चेक करना चाहिए। अगर मैं इस लोकेशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस को चेक करूं तो ये है 1 और ये है 2 मान लो, तो E1 के कारण से इस डायरेक्शन में होगा और E2 के कारण से भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो नहीं सकता। इस लोकेशन पे E2 के कारण से इधर ही होगा और E1 के कारण से भी इधर ही होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। इस लोकेशन पे जरूर हो सकता है, E1 के कारण से इधर होगा और E2 के कारण से इधर होगा। तो मुझे पहले क्या करना है, रीजन डिसाइड करना है, उसके बाद फिर मुझे डिस्टेंस लेना है कि इस लोकेशन से डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूँ, ऑफ कोर्स इस लोकेशन से कितना हो जाएगा एल माइनस ऑफ एक्स, और इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर लेना है। तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, सेम। E1 है कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरा के इंटू 4Q डिवाइडेड बाय एल माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। के कैंसिल आउट, क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4x² और एल माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर आता है एल माइनस एक्स इज इक्वल टू +-2x। स्टूडेंट प्लस माइनस को लेना भूल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस को लेता है, हाँ मैंने ठीक भी है। देख लिया। तो इस जगह पे एल माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर प्लस वाला लें तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा एल, सो एक्स इज इक्वल टू L/3। और अगर हम लोग माइनस वाले को लें तो एल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, माइनस एल और नेगेटिव कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए मैं इस सॉल्यूशन को वैलिड इस केस के लिए नहीं मानूंगा, तो हमारा आंसर ये होगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो अब इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज और इस जगह पे +4Q चार्ज, तो सबसे पहले एकदम जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट साइड में क्या होगा, तो इस चार्ज के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो इन्फिनिटी होगा, और वो ऐसे करके जाएगा। इसके जस्ट राइट साइड में होंगे तो इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसा आ पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप? डायरेक्शन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव अच्छा डायरेक्शन, ओके हाँ अच्छा हाँ और अब मैं यहाँ पे हूँ जस्ट, तो ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और वो भी इनफाइनाइट, तो ये ऊपर से आएगा। और अगर मैं इस लोकेशन पे हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो नीचे से आएगा इनफाइनाइट, और किसी एक लोकेशन पे इसको जीरो हो जाना है, और तो गलत बना दिया, ऐसा होगा। और किस लोकेशन पे ये कट करेगा, तो वो जो एल लोकेशन बाई जहां पे कट करेगा वो होगा x इज इक्वल्स टू L/3, L पे नहीं, दोनों के बीच का ही एल बाई डिस्टेंस L है। क्लियर है? सर 1 सेकेंड। हाँ तो क्लियर है। बहुत जगह पे है ना ये डायग्राम दे दिया जाएगा और चार्ज पूछा जाएगा कितना है, तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, ऊपर जैसा इक्वेशन लगाया मैंने वैसा इक्वेशन लगा करके काम कर सकते हैं, ठीक है। सर 1 सेकेंड। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो जो पॉजिटिव +Q चार्ज है वो बाहर फेंक रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लेफ्ट साइड ऐसा बोल। हो गया यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से वो बोला जा सकता है डिपेंड उस पे करता है,
जैसे कि जो चार्जेस हैं इस पूरे जगह पे प्लेस किया जा सकता है। एक पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे लेकर रख दिया, और इस जगह पे रख दिया नेगेटिव चार्ज। माइनस ऑफ ले लो 4Q चार्ज। तो पूछा गया फाइंड द पोजीशन इन बिटवीन चार्जेस वेर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मिनिमम। ठीक है, सॉल्व कर उसको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल ले लो। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं पूछा है, बोला है कि कहाँ पे मिनिमम होगा वो मांगा है, और वो भी इन दोनों के बीच में मांगा है। ठीक है, बीच में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन मिनिमम जरूर होगा। ऊपर याद करो ग्राफ बनाया था, तो कैसा ग्राफ बना था? इस टाइप का ग्राफ बना था, है ना? यस तो सर, हाँ एक लोकेशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम आ रहा है, तो ये वॉट इज लोकेशन मुझे फाइंड आउट करना है जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। बराबर, तो लेट से इस जगह से डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ऑफ ई टू, दोनों के कारण से एडिशन, जिसके क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 4Q डिवाइडेड बाय एल माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमम करना है। तो मिनिमम कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ को मिनिमम करना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का काम तो यही होता है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो के क्यू और एक्स रेस टू पावर माइनस टू है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे आ जाएगा और एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और प्लस ऑफ के इंटू 4Q एल माइनस ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस टू है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पे माइनस टू सामने आएगा एल, और साथ में आएगा माइनस थ्री और माइनस वन आ जाएगा, के अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, टू डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड नहीं, एल माइनस ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री कर लेता हूँ, और फिर इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो करना होता है, तो उसको मैंने इस तरफ कर लिया, के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस तो चला गया उधर, तो ये टू एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 और एल माइनस ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री, तो टू टू कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा 1 बाय x³ इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय एल माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को बस बस सॉल्व कर लेना है। तो इसमें भी वही प्लस माइनस आता है, तो हमें प्लस वाले को लेना पड़ेगा, सब प्लस टू माइनस रेस कैसे आएगा, क्यूब है ना। एक तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्जेस होते तो मिनिमा कहाँ पे मिलता मुझे, मुझे किस साइड जाना पड़ता बोलो, लेफ्ट, मिनिमा हाँ बीच में मिनिमा मिलता क्या? नहीं मिलता ना। नहीं, ऐड हो रहे हैं, नहीं हाँ, तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बीच में। बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मिनिमा नहीं, ये जीरो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन ई इज इक्वल टू जीरो के बारे में उसने नहीं बोला, मिनिमा बोला, तो मिनिमा के लिए किधर जाना पड़ेगा, इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ कभी भी
मिनिमम नहीं हो पाएगा, मिनिमम इस तरफ हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा अचानक से और फिर धीरे धीरे करके घटेगा, घट करके कितना हो जाना है, जीरो। यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी। ठीक है, सोचना इसको फिर समझ में आएगा। तो इधर से अब हम लोग इसको पिक कर लेते हैं, इधर 2/3 आएगा, 2 रेट। एल माइनस ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है ना। यस सर। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इधर से। ये बेसिक सा चीज था, इसको समझना है। और इसमें और भी अलग अलग तरह के ग्राफ्स वगैरह तुम्हें मिल टू रेस टू सकते हैं। टू बाई थ्री आएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, 2 रेस टू 2/3 आएगा अच्छा, यहाँ इधर पे। 2 लिख दिया क्या मैंने, 4 लिख दिया, 4 रेस टू पावर 1/3। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं।